स्वागत है आपके नए ब्लॉग में। मेरा नाम योगेश है और दोस्तों मैं आज एक ऐसे पार्क में आया हूँ जिसका नाम बेस्ट विंटर पार्क, जो दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में है, जहाँ पर दुनिया के 7 अजूबे हैं। तो दिखाएंगे तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, काफ़ी मजा आएगा, जिसे विंटर थीम पार्क भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जो समय होता है वो छोटे लोगों का आता है, अपन को दौड़ लाना है तो अपन को रिद्ध संकल्प के साथ मेहनत करनी है। जब अपने दौर आएगा तो अपनी महफिल होगी, पर अपनी हर चीज़ होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ, आपको कहाँ पर आना है। तो भाई जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो निजामुद्दीन है, ब्लॉक के गंगा विहार सराय खाले का, न्यू दिल्ली। सो भाई इसकी लोकेशन, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो हज़रत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है। यदि आपको वेस्ट विंडर आना है, पिंक लाइन आती है। सो ये वेस्ट विंडर के बाहर पार्किंग जोन है। यहाँ पर यदि आपको गाड़ी पार्क करनी है तो 1 घंटे का 20 रुपये चार्ज है, ओनली 1 घंटा यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। यदि आपकी 4 व्हीलर तो वहाँ पर 4 व्हीलर पार्क कर सकते हो। यदि यहाँ पर पार्क करते हो 1 घंटे का 40 रुपये है 4 व्हीलर का। सो गाइस ये पार्किंग जोन है, कुछ ऐसा है यहाँ से वेस्ट विंडर में। सो गाइस विपिन भाई गए हैं टिकट लेने के लिए। हाँ भैया, सो गाइस 50 रुपीज़ पर पर्सन है यदि आप 13 साल से 65 वर्ष तक की आयु के हैं। सो गाइस देख सकते हैं हम कुछ ऐसी टिकट है वेस्ट विंडर पार्क की, हमने 2 लोगों के लिए 4 घंटे के लिए। तो भाई चलते हैं। एंट्री फीस का कुछ बोर्ड है, कुछ ऐसा सिस्टम है। यदि दोस्तों आप 12 साल से 65 साल के हैं तो आपके जो नॉर्मल डेज में ट्यूजडे से सैटरडे 50 रुपये फीस है, वही संडे के दिन आपकी डबल हो जाती है 100 रुपये। यदि आप 3 साल से 12 साल के हैं तो 25 रुपये नॉर्मल डेज में है और 50 रुपये संडे वाले दिन है। यदि दोस्तों आप ग्रुप में आते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो दोस्तों नॉर्मल डेज में 20 रुपये और 40 रुपये संडे वाले दिन। यदि दोस्तों निगम स्कूल के बच्चे, MCT के जो स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी फ्री एंट्री है। यदि 3 साल से कम बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हैं और 65 साल से अधिक के मतलब सीनियर सिटीजन है, उनके लिए फ्री है। और दोस्तों मंडे वाले दिन ये क्लोज रहता है। सो गाइस आप देख सकते हैं बाहर से कुछ ऐसा इंटरफेस है वेस्ट विंडर पार्क का। सो गाइस चलते हैं अंदर की ओर, राजीव गांधी स्मृति वन तो चलते हैं दोस्तों। तो गाइस यहाँ से कुछ एंट्री है, पहले आपको टिकट देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने टिकट दे दी और चलते हैं अंदर की ओर। और ये हमारे विपिन भाई हैं। सो गाइस चलते हैं, यहाँ पर कार्य प्रगति पर चल रहा है और ये हमारे विपिन भाई है, कार्य प्रगति पर चल रहा है, चलते हैं दोस्तों। आओ फिर तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है और यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी देखने के लिए आए हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ऑफर ने एंटर कर लिया अपन ने, देखते हैं पहला कौन सा वंडर है। सो गाइस चलते हैं पहले अजूबे की ओर। वेस्ट विंडर पार्क में पहले आप एंटर करते हैं तो सबसे पहला वंडर यही है अजूबा, जिसका नाम है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो मिस्र राष्ट्र से संबंधित है। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो बनाया गया है वो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, आयरन रोड होता है उसको वेल्ड करके बनाया गया है। और देख सकते हैं कितना शानदार है, देखिए दोस्तों आप, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र राष्ट्र, देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये पहला अजूबा है दोस्तों। सो गाइस चलते हैं सेकंड विंटर की ओर, अजूबे की ओर, जिसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं, जो इटली राष्ट्र से संबंधित है। आप देख सकते हैं जिसे पीसा की झुकी मीनार भी कहते हैं। दोस्तों इसको इसलिए झुकाया गया है क्योंकि इटली में एक बहुत शानदार भूकंप आया था, बहुत ख़तरनाक, तो ये सब कुछ टूट गया था, तबाही मच गई थी, लेकिन ये जो पीसा की ये मीनार थी वो खड़ी रही थी, टेढ़ी हो गई थी। सो गाइस देख सकते हैं आप, ये पीसा की मीनार है, कितनी शानदार लग रहा है, देख सकते हैं आप, देखिए कितना शानदार दृश्य है। और देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए घूमने के लिए, देखिए।
क्लॉकवाइज देख सकते हैं पीसा की झुकी मीनार है जो 4 डिग्री झुकी हुई है एक साइड से। तो गाइस देख कितना शानदार लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग आए हैं घूमने के लिए, काफी सारे लोग आते हैं। देखिए साथियों कितने शानदार पीसा की झुकी मीनार आ रही है। सो गाइस चलते हैं थर्ड वंडर की ओर, तीसरे अजूबे की ओर, एफिल टावर जो फ्रांस राष्ट्र से संबंधित है। सो गाइस देख सकते हैं आप एफिल टावर को, इसकी जो हाइट है वो 70 फिट है। देख सकते हैं आप कितना शानदार लग रहा है ये एफिल टावर। एफिल टावर है हाँ। सो गाइस देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। साथियों देखिए आप एफिल टावर जो फ्रांस राष्ट्र से संबंधित है और बेस्ट टू वंडर पार्क में ये तीसरा अजूबा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार जानदार और आकर्षक लग रहा है। और गाइस ये जो बनाया गया है जो व्हीकल्स के पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं उससे बनाया गया है और देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है देखने में। और जो इसकी हाइट है वह 70 फीट इसकी हाइट है एफिल टावर। हमारे साथियों देखिए कि एफिल टावर कितना ऊंचा है और इसके अंदर सभी रॉ मटेरियल का प्रयोग किया गया है। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो वेस्ट वेंटर पार्क है वह रात की दोपहर की तुलना में रात के टाइम काफ़ी खूबसूरत लगता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो बेस्ट टाइम विजिट है आप शाम के टाइम आइए 4 बजे के बाद, तो आप यहाँ पर काफ़ी शानदार मज़ा ले सकते हैं, रात का आनंद ले सकते हैं। जब इसमें बत्तियाँ जलने लग जाती है तो काफ़ी शानदार लगता है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में क्योंकि जब मैं रात का व्यू दिखाऊंगा आपको, तो बने रहिए। आओ विपिन भाई नेक्स्ट। सोलर पैनल लगाई गई है जिसके कारण बिजली की बचत होती है शानदार तरीके से और इसी के थ्रू इनमें रात के टाइम लाइट जलती है और इसी के थ्रू सतत पोषणीय विकास का निर्माण होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कितने शानदार तरीके से सोलर पैनल लगाए गए। चलते हैं चौथे अजूबे की ओर। सो गाइस देख सकते हैं आप ये कोलोजियम है जो इटली के रोम शहर में स्थित है। सो गाइस देख सकते हैं कितना शानदार है और जो इसकी हाइट है वे 15 से 20 फीट इसकी हाइट है। देखिए दोस्तों कोलोजियम है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं पोस्ट करके। सो गाइस पढ़ लीजिएगा। गाइस देख सकते हैं आप कोलोजियम। तो गाइस पांचवा अजूबा अपने भारत देश का ताजमहल है। देख सकते हैं कितना अद्भुत लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों जब इसमें रात के टाइम लाइटिंग जलती है तो और काफ़ी शानदार लगता है। देखो दोस्तों इस ताजमहल देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितना शानदार ताजमहल है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, आगरा के अंतर्गत है। सो गाइस और जो पहला अजूबा था 2007 में जब अजूबों को गिना गया तो दोस्तों जो आगरा था वो पहला अजूबा था, इसे 7 अजूबों की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पे रखा गया।
नेक्स्ट वाइज ये है ताजमहल, ताजमहल इतना अद्भुत लग रहा है जब रात के टाइम इसमें लाइटिंग जलती है तो और काफ़ी शानदार लगता है। तो भाई हम रात तक बने रहेंगे यहाँ पर, रात का व्यू भी लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। सो वाइज देखिए आप 6 नंबर के अजूबे को, रिडीमर रियो, जो इसकी हाइट है दोस्तों वह 25 फिट है और ये ब्राज़ील राष्ट्र से संबंधित है, ब्राज़ील में है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी शानदार, जानदार और आकर्षक। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं रियो रिडीमर के बारे में इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, आप पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये है दोस्तों, देखिए रियो रिडीमर कितना शानदार, जानदार और आकर्षक लग रहा है। इसकी हाइट 25 फीट है और लेंथ 19 फीट है। दोस्तों लास्ट और सातवें अजूबे की ओर चलते हैं अपन। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का स्मारक। सो गाइस देख सकते हैं आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, आप पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं। और ये जो रियल में है उसके बारे में लिखा हुआ है। और गाइस ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखिए आप आज़ादी का स्मारक, इतना शानदार लग रहा है, वंडरफुल। और दोस्तों ये अमेरिका राष्ट्र से संबंधित है। तो गाइस दिखाते हैं आपको वाटरफॉल, तो देखिए आप यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कितना शानदार ये वाटरफॉल है, देखिए आप। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना शानदार ये वाटरफॉल है। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना शानदार लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने शानदार पत्थर हैं बैठने के लिए, देखिए आप। और दोस्तों यहाँ पे शौचालय, कैंटीन, एंटीन सब है। सो गाइस मैंने आपको सातों अजूबे दिखा दिए हैं, जो दोस्तों ये सात अजूबे थे उनमें 150 टन वेस्ट कचड़ा यूज़ हुआ था। कचड़े में दोस्तों इंजन था आपका, काफ़ी सारे मतलब कि व्हीकल्स के पार्ट थे, चेन था, साइकिल के रिम्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो भंगार के सामान में आती है। इसी के थीम पर इस पार्क का नाम बेस्ट वंडर रखा गया। और दोस्तों जो ये बेस्ट वंडर पार्क है, जिसे सेवन वंडर्स पार्क भी कहते हैं, ये 7 एकड़ में फैला हुआ है और इसका जो परियोजना में जो पैसा लगा था वो 60.5 करोड़ रुपये लगा था और ये 6 महीने के भीतर बन के तैयार हो गया था। और दोस्तों जो इसका निर्माण था वो 21 फरवरी 2019 को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया था। और आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार हमको यहाँ पे लग रहा है। सो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि आपको आते हैं वेस्ट वंडर में तो यहाँ पर कैंटीन भी है काफ़ी शानदार, तो देखिए कितनी शानदार कैंटीन है। तो गाइस देखिए यदि आपको कुछ लेना है तो आप परचेज करके ले सकते हैं और ईट कर सकते हैं। यू बिपिन भाई दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने शानदार ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं और कैफ़े भी हैं। यदि आप आते हैं वेस्ट वंडर पार्क में विज़िट करते हैं, यदि आपको कुछ खाना है, ईट करना है, तो यहाँ पर कितने शानदार रेस्टोरेंट हैं आप देख सकते हैं। देखिए ये कुछ
ऐसा है यहाँ का कैंटीन जोन। विपिन सर, हम दोनों फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? हेलो गाइस, जय हिंद। हमें इस पार्क में आने पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर विभिन्न देशों की जो महत्वपूर्ण अजूबे हैं उनको सम्मिलित किया गया। भारत सरकार को एवं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट एवं MCET को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने पर्यावरण को एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। योगेश भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे योगेश भाई बहुत मेहनत करें। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। आप भी आइए। अब मैं आपको दोस्तों बता दे रहा हूँ, बेस्ट टाइम टू विजिट नाइट में काफ़ी शानदार समय 5 बजे के बाद यदि आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी ठीक ठाक लगता है दिन की तुलना में। यदि आपको आना है तो आप बस से भी आ सकते हैं। ISBT बस स्टैंड निजामुद्दीन दरी पास में है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिंक लाइन से आएँ मेट्रो स्टेशन से, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है। और यदि आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो व्हीकल से भी आ सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग की जगह है। तो गाइस, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।